हेलो, वेलकम टू नोड जेएस ट्यूटोरियल। सो लास्ट वीडियो में हमने देखा था एक्सप्रेस जेएस से कैसे पोस्ट मेथड की एपीआई क्रिएट करते हैं, और पोस्टमैन क्या है, पोस्टमैन को इंस्टॉल कैसे करते हैं, और पोस्टमैन से एपीआई कॉल कैसे करते हैं। और आज के वीडियो में हम देखेंगे मोंगोडीबी कैसे इंस्टॉल करते हैं, मोंगोडीबी क्या है, और उसको कनेक्ट कैसे करते हैं नोड जेएस से, हमारे एक्सप्रेस जेएस से। सो सबसे पहले देखते हैं मोंगोडीबी क्या है और वर्क कैसे करता है। मोंगोडीबी एक डॉक्यूमेंट डेटाबेस है। मोंगोडीबी में जो डेटा स्टोर होता है वो जेसन फॉर्मेट में स्टोर होता है, की पेयर वैल्यूज में। एसक्यूएल और डॉक्यूमेंट डेटाबेस में डिफरेंस क्या होता है? एसक्यूएल डेटाबेस है वो रिलेशनल डेटाबेस रहता है, इसमें सारा डेटा अलग अलग टेबल्स में स्टोर होता है, और जब हमें डेटा चाहिए होता है तो अलग अलग टेबल से हमें ज्वाइन करके निकालना पड़ता है, लेफ्ट ज्वाइन, राइट ज्वाइन और इनर ज्वाइन करके, या तो हम सब क्वेरीज यूज करते हैं। और मोंगोडीबी में, हमारे डॉक्यूमेंट डेटाबेस में, ये सारा डेटा एक स्ट्रक्चर्ड वे में एक साथ स्टोर होता है, जिससे आप फास्टली डेटा रिट्रीव कर सकते हो एंड आप डेटा के मल्टीपल ग्रुप्स क्रिएट कर सकते हो, जिसे हम मोंगोडीबी में कलेक्शन कहते हैं। वन कलेक्शन मतलब एसक्यूएल का एक टेबल, और इस कलेक्शन में हम सारा डेटा स्टोर करते हैं। लाइक फॉर एग्जांपल, कोई ब्लॉग है तो उसका ब्लॉग का आर्टिकल और उसके सारे कमेंट सब एक जेसन फॉर्मेट में एक ही कलेक्शन में स्टोर होता है। अब हम मोंगोडीबी इंस्टॉल करते हैं, तो इंस्टॉल करने के लिए गूगल कीजिए मोंगोडीबी डाउनलोड। अब आप फर्स्ट लिंक पे क्लिक कीजिए और कम्युनिटी सर्वर में सिलेक्ट पैकेज पर क्लिक कीजिए, और यहाँ पर आपको करंट वर्जन ही सिलेक्ट करना है। देन आपका जो विंडोज़ है 64 बिट है तो 64 बिट आपको सिलेक्ट करना है, एंड आपको MSI पैकेज डाउनलोड करना है। मेरा पैकेज यहाँ पर डाउनलोड हो चुका है, अब इसको इंस्टॉल करते हैं। यहाँ पर नेक्स्ट कीजिए, ये टर्म्स एंड कंडीशन है, इसको एक्सेप्ट करके नेक्स्ट करते हैं। देन कंप्लीट सेटअप, ओके। यहाँ पर ये पाथ है, यहाँ पर आपका मोंगोडीबी इंस्टॉल होगा, ये डेटा यहाँ पर स्टोर होगा आपका, और यहाँ पर लॉग स्टोर होगा। नेक्स्ट एंड इंस्टॉल। हमारा मोंगोडीबी इंस्टॉल हो चुका है, नाउ क्लिक ऑन फिनिश। अब हमारा मोंगो इंस्टॉल हुआ है कि नहीं वो चेक करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, डायरेक्टरी में भी जा सकते हो, उसमें आप दिस पीसी में जाइए, वहां पर प्रोग्राम फाइल में जाइए, देन वहां पर आपको मोंगोडीबी का फोल्डर मिलेगा, उसके अंदर एक सर्वर का फोल्डर होगा और आपका वर्जन होगा। यहाँ पर डेटा के फोल्डर में आपका सारा डेटा, जो भी आप डेटाबेस क्रिएट करते हो वो स्टोर होता है, और लॉग के फोल्डर में सारे लॉग स्टोर होते हैं। अब हमें बिन में जाना है, और बिन में जाके ये पाथ आपको कॉपी करना है। नाउ एनवायरमेंट वेरिएबल ओपन करते हैं, देन एनवायरमेंट वेरिएबल्स में जाके पाथ में जाके इसको एडिट करते हैं, और यहाँ पे जो हमने यूआरएल कॉपी किया था उसको ऐड करते हैं, देन ओके। अब हम कमांड प्रॉम्प्ट ओपन करते हैं, और यहाँ पर मोंगो कमांड नहीं रन करेगा क्योंकि मोंगो डेप्रिकेटेड हो चुका है, तो हमें लिखना पड़ेगा मोंगो डी डैश वर्जन। सो इससे हमें पता चलेगा कि हमारे मोंगो का वर्जन क्या है। हमारा वर्जन है 7.0.5, और आपके डेस्कटॉप पे ये मोंगो डीबी कंपास पे ऐड हो गया होगा, वहाँ से आप एज ए GUI सारे डेटाबेस आप चेक कर सकते हो और नए क्रिएट कर सकते हो। सो हमें यहाँ क्या करना पड़ेगा, हमें यहाँ URL देना पड़ता है मोंगो डीबी का। तो हमारा लोकल होस्ट ये पोर्ट नंबर है जहाँ पर हमारा मोंगोडीबी रन हो रहा है, और यहाँ से जैसे ही मैं कनेक्ट पर क्लिक करूँगी तो कनेक्ट हो जाएगा। और यहाँ पर आप देख सकते हो कि आपके तीन डेटाबेस क्रिएटेड है बाय डिफॉल्ट, एक लोकल है, एक कन्फिग है और एक एडमिन है। सो आप लोकल और कन्फिग को अगर डिलीट करना चाहे तो कर सकते हो, और एडमिन जो डेटाबेस है वो डिलीट नहीं होगा क्योंकि वो डिफॉल्ट सिस्टम का डेटाबेस होता है। इसको डिलीट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, ड्रॉप डेटाबेस, यहाँ पर मुझे लिखना पड़ेगा लोकल, देन ड्रॉप डेटाबेस, सेम कन्फिग को हम डिलीट करते हैं, कन्फिग एंड ड्रॉप डेटाबेस। अगर हमें नया डेटाबेस क्रिएट करना है तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर क्रिएट डेटाबेस का ऑप्शन है, यहाँ पर क्लिक कीजिए, यहाँ पर आपके डेटाबेस का नाम दीजिए, मैं नाम देती हूँ टेस्ट। कलेक्शन नेम, कलेक्शन क्या है, कलेक्शन एक जैसे MySQL में हमारा टेबल होता है तो उसको MongoDB में कलेक्शन बोलते हैं। तो यहाँ पर हम रखते हैं यूजर्स, हम डेटाबेस का नाम टेस्ट की जगह रख देते हैं, जो भी हमें प्रोजेक्ट बनाना है उसी का नाम रखते हैं, फॉर एग्जांपल ईकॉम, एंड हमारा टेबल का नाम है यूजर्स एंड क्रिएट डेटाबेस।
सो यहाँ पर हमारा एक ईकॉम करके डेटाबेस बन चुका और उसके अंदर एक यूजर्स करके एक कलेक्शन बन चुका है। और अब यहाँ पर हम एक रिकॉर्ड इंसर्ट करते हैं यूजर्स के लिए, यूजर्स का नेम यहाँ पर कोमा करके की पे वैल्यू में ही आपको रिकॉर्ड इंसर्ट करने हैं, की और वैल्यू दोनों स्ट्रिंग में आएंगे। सो नेम रखते हैं ट्रूलाइन सॉल्यूशन, देन हमें यूजर का चाहिए ईमेल आईडी, कॉन्टेक्ट एट द रेट ट्रूलाइन सॉल्यूशन डॉट कॉम, देन मोबाइल नंबर, देन पासवर्ड। पासवर्ड को अभी हम एज ए स्टैटिक ही ले लेते हैं, इसको इंक्रिप्ट नहीं करते हैं, पासवर्ड रखते हैं 1 2 3 4 5 6 एंड इंसर्ट करते हैं। सो आप देख सकते हैं यहाँ पर हमारा एक डेटा इंसर्ट हो चुका है। दूसरा डेटा इंसर्ट करने के लिए अगेन इंसर्ट डॉक्यूमेंट करना पड़ेगा, यहाँ पर भी सेम आपको नेम सो यहाँ पर हमारे दो डेटा इंसर्ट हो चुके हैं। और इस डेटा को अगर आपको जेसन में देखना हो तो ऐसे देख सकते हो, और टेबल व्यू में देखना है तो यहाँ से आप देख सकते हो। और MongoDB में एक रो को एक डॉक्यूमेंट बोलते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि Node.js से MongoDB को कैसे कनेक्ट करते हैं, और ये डेटा जो हमें अभी यहाँ पर दिखाई दे रहा है वो एक API क्रिएट करके Node.js से कैसे रिट्राइव कर सकते हैं, और इसमें अगर डेटा इंसर्ट करना है तो वो भी Node.js से कैसे कर सकते हैं।